एक दिवसीय खांडे राव बाबा मेले के आयोजन में कनौत पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ चला चक्री वाला जुआ। जैसा कि आप रायपुरा का मेला देख रहे हैं, यहाँ पर बरसों से परंपरा चल रही है, यहाँ पर हार्दिक के दाव लगते हैं, यहाँ पर 10-10, 20-20, 50-100 रुपए तक के दाव लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फिरकरनी घूम रही है, उसका दाव चल रहा है। कितना रुपए जीते आप? कितना रुपए का खेला आपने? कहाँ से आए आप? कितना रुपए का खेला आपने? ये मेला कब से आ रहे हैं आप? चार साल आप देख रहे हैं, ऐसे ही भराता है मेला, ऐसे भराता है एकदम जमाजम पानी का। यहाँ डर नहीं रहता किसी बात का, पुलिस का आड़े में बैठी है मेले में पूरी जान। देवास जिले में कोरोना महामारी के डर से कारण मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के पालन में देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के द्वारा 144 धारा प्रभावशाली रूप से आदेश किए गए हैं, जिसके बावजूद कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। कानून के समीप ग्राम रायपुरा में होली पर्व के दूसरे ही दिन खांडेराव बाबा के नाम से भरने वाला एक दिवसीय मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। दूसरे दिन कन्नौत के समीप रायपुरा गांव में मेला भराता है। यह मेला अति प्राचीन और परंपरागत मेला है। यहाँ के निवासी देखते हैं आपकी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। ये एक छत्र है, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है आपका? थोड़ा पास आजा, क्या नाम है इसका? खंडेराव बाबा का मेला भराता है। खंडेराव बाबा का मेला भराता है, क्या पूजा होती है यहाँ पर? सभी को गुरता है, वो ये मानता करके जाते हैं, उसमें मनोकामना पूरी होती है। पूरे 12 महीना में ये दूज का मेला भराता है। दूज का मेला भराता है, कितने वर्षों से देख रहे हैं आप इस मेले को? कम से कम 60 साल की उम्र है, मैं देख रहा हूँ, 55 में 50 साल से देख रहा हूँ। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ पर? पूरा कन्नौज के चिलकाटा बोर्ड अपने सारे लोग। क्या नाम है आपका? क्या जानते हो इस मेले के बारे में, क्या जानकारी है आपको? यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ यहाँ पे क्या क्या कर्म होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर से आते हैं। जैसा कि बताया, गांव के ग्रामीण जन हैं, बहुत 50 साल से मेला देख रहे हैं। मांगी है, यहाँ पर बकरों की मुर्गों की बलि दी जाती है, महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं यहाँ पर, और देखते हैं बड़े बड़े झूले। देव बाबाओं ने मेले में लगे लकड़ी के स्तंभ पर चढ़कर झंडा लगाया। पुरानी परंपरा के अनुसार लोगों की मान्यता पूरी होने पर खांडेराव बाबा को भेंट स्वरूप मुर्गा बकरे की बलि दी गई। मेले में झूले, आइसक्रीम, जलेबी, भजिए का लुत्फ भी लेते नजर आए। वहीं दूसरी ओर मेले में चक्री वाला जुआ पुलिस की उपस्थिति में खुलेआम खेला जा रहा था। जुआ खिलाने वाले शख्स पैसों को दुगना करने का खेल मेले में जोर जोर से आवाजें लगाकर खिला रहा था। जहां पर 1 रुपए के 10 रुपए करने का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा था, वहीं मेले में मौजूद पुलिस इस खेल को नजरअंदाज कर भोले भाले ग्रामीणों को इस खेल का शिकार होता देख रही थी। इस खेल के लालच में गांव से आए ग्रामीण 1000 रुपए हार कर अपनी जेब खाली कर गए। सोशल मीडिया पर मेले में चक्री वाला जुआ चलते हुए वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कड़ी में नाबालिग किशोर युवक भी जुआ खेलते वीडियो में देखा जा रहा है। डॉक्टर शिवदयाल सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक देवास से जब बात करना चाही तो किसी कारणवश फोन रिसीव नहीं कर सके। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश में सुशासन लाना चाहती है, क्या इन पर प्रशासन संज्ञान लेकर तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेगा, या यूं ही चर्चा का विषय बना रहेगा। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए कनौत से चंचल भारती की रिपोर्ट।